नमस्कार दोस्तों, मैं राम निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का चाइना से। जैसा कि हम लोग बात करते हैं चाइना के नए नए वीडियोस में आपको बताता रहता हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं चाइना में आप तांगे की सवारी कैसे करेंगे। यहां पे तांगा गाड़ी जो हमारे इंडिया में भी होते हैं या फिर दूसरे देश होते हैं, भारत के आसपास के देश हैं, उनमें हम तांगा गाड़ी होती है, उस तांगा गाड़ी की सवारी यहाँ पे कैसी होती है, कितने तांगे जोड़े जाते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब देखने से पहले इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम चल रहे हैं, जाएंगे अभी तांगा गाड़ी की सवारी करेंगे। आप देखेंगे कि तांगा कैसा है, कितने उसमें टायर हैं, किस तरीके की उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, आखिर क्या भारत के जैसा ही यहाँ पर तांगा होता है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा, कितने तांगे लगाए गए हैं वो भी आप देखेंगे। बहुत सारा एक रोचक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें होते हुए अभी हम जा रहे हैं और अभी रोड को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे फुटपाथ बने होते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फुटपाथ है बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आप क्रॉस कीजिए। अगर कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ आती है तो वो आपके लिए रुकेगी, आपको क्रॉस करने का प्रॉपर समय मिलेगा यहाँ पर। और जो गाड़ियां हैं अभी पीछे से जो यहाँ की लो फ्लोर बस गई वो आपने देखी, ये देखिए गाड़ियां निकल रही है, तो काफ़ी क्लीन है, सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं और कहीं कोई कचरा आपको नज़र नहीं आएगा, सारा सब कुछ। और यहाँ पे ये देखिए साइकिल ही साइकिल खड़ी रहती है सड़कों पे, इनके स्टैंड बने होते हैं, इन स्टैंड्स पे ये कचरे पात्र लगे हुए हैं, हर 50 मीटर पर आपको कचरा पात्र मिलेगा। इसमें दो टाइप के कचरा पात्र होते हैं, एक में सूखा और एक में गीला कचरा डाला जाता है। तो हम इसी चीज़ को आपको दिखाते रहेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं तांगा गाड़ी की सवारी का वीडियो।左转到大家还是可以看到左手边这栋红色小洋楼的正面。大家现在右手边看到的幼儿园原来是著名的内科专家杨继石的旧居。杨继石不满意大家招他进爵士四任的校长，又和坚持了严厉的就是关耀华人。 大家现在右手边看到的幼儿园，原来是著名的内科专家杨继石的旧居。杨继石，好了，接下来呢，大家还是看一下马车的右手边这座，右手边这个红色连排式的。